जिला बड़गाम के चाड़ूरा असेंबली हलके से आजादाना तौर पर अगला असेंबली चुनाव लड़ने वाले जफर मीर ने आज पोहरू और गोरीपोरा देहात का दौरा किया, जहां मुकामी लोगों ने शादी हाल की इमारत में पुलिस चौकी की मंजूरी देने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सितम जरीफी यह के इलाके में शादी हाल और तबी मरकज की इमारतें गुजश्ता 12 सालों से तामीर हो रही हैं, ताहम नहीं शादी हाल जेर इस्तेमाल है और ना ही मेडिकल हेल्थ सेंटर से लोगों को कोई फ़ायदा आज तक नसीब हुआ। गाँव के अंदर नई पुलिस चौकी कायम करने के खिलाफ मुकामी मर्द व ख़वातीन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। जफर मीर जो कि इलाके में लोगों की मुश्किलात के इजाले के लिए हमेशा आगे रहे हैं, ने इस दौरान कहा कि पुलिस हुकूमत की तरफ से ऑर्डर लेकर आई थी और मुकामी अवाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। शादी हाल और हेल्थ सेंटर दोनों एक दूसरे के मुत्तसिल हैं। कई घंटों की बहस के बाद मुकामी SDPO और SHO मौके पर पहुंचे, लेकिन गांव के अंदर पुलिस चौकी क़याम की वजूहात के बारे में वो मुकामी लोगों को मुतमईन न कर सके। इस दौरान मीर ने DIG सेंट्रल कश्मीर से बात की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पुलिस चौकी सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान ही रहेगी। मीर ने DIG सेंट्रल कश्मीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुकामी सूरत हाल को समझा और अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने के बाद पुलिस चौकी को मुंतकिल करने का वादा दिया। मीर ने आवाम को तहरीरन भी लिख कर दिया कि DIG सेंट्रल कश्मीर की यकीन दहानी पर पुलिस चौकी को बंद या शिफ्ट कर दिया जाएगा। मीर ने आखिर पर आवाम SDPO और SHO के तआवुन का शुक्रिया भी अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 8। जिला बड़गाम के चाड़ूरा असेंबली हलके से आजादाना तौर पर अगला असेंबली चुनाव लड़ने वाले जफर मीर ने आज पोहरू और गोरीपोरा देहात का दौरा किया, जहां मुकामी लोगों ने शादी हाल की इमारत में पुलिस चौकी की मंजूरी देने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सितम जरीफी यह के इलाके में शादी हाल और तबी मरकज की इमारतें गुजश्ता 12 सालों से तामीर हो रही हैं, ताहम नहीं शादी हाल जेर इस्तेमाल है और ना ही मेडिकल हेल्थ सेंटर से लोगों को कोई फ़ायदा आज तक नसीब हुआ। गाँव के अंदर नई पुलिस चौकी कायम करने के खिलाफ मुकामी मर्द व ख़वातीन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। जफर मीर जो कि इलाके में लोगों की मुश्किलात के इजाले के लिए हमेशा आगे रहे हैं, ने इस दौरान कहा कि पुलिस हुकूमत की तरफ से ऑर्डर लेकर आई थी और मुकामी अवाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। शादी हाल और हेल्थ सेंटर दोनों एक दूसरे के मुत्तसिल हैं। कई घंटों की बहस के बाद मुकामी SDPO और SHO मौके पर पहुंचे, लेकिन गांव के अंदर पुलिस चौकी क़याम की वजूहात के बारे में वो मुकामी लोगों को मुतमईन न कर सके। इस दौरान मीर ने DIG सेंट्रल कश्मीर से बात की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पुलिस चौकी सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान ही रहेगी। मीर ने DIG सेंट्रल कश्मीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुकामी सूरत हाल को समझा और अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने के बाद पुलिस चौकी को मुंतकिल करने का वादा दिया। मीर ने आवाम को तहरीरन भी लिख कर दिया कि DIG सेंट्रल कश्मीर की यकीन दहानी पर पुलिस चौकी को बंद या शिफ्ट कर दिया जाएगा। मीर ने आखिर पर आवाम SDPO और SHO के तआवुन का शुक्रिया भी अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 8।